दोस्तों राजस्थान का अभी सेकेंड राउंड चल रहा है, इसमें जो गवर्नमेंट की सीटें हैं उनकी कट ऑफ आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान स्टेट के लिए सेकेंड राउंड की कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रही है, इसके बाद में मोपअप राउंड होना है, उस मोपअप राउंड में कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, क्या अदर स्टेट कैंडिडेट भी राजस्थान में अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो इस विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कभी कभी हमारी किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती है और रिस्क लेना हमारे लिए महंगा पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ राजस्थान स्टेट में स्टूडेंट्स के साथ में हुआ है। उन्होंने ऑल इंडिया की सीट छोड़ी है और राजस्थान स्टेट में भी उनको सीटें नहीं मिली है। ये राजस्थान में पहली बार हो रहा है। ये जब नीट 2016 में पहली बार हुआ था तब से राजस्थान स्टेट की अभी तक की जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया से डाउन रहते आई है, लेकिन ये पहली बार इस बार काफी अप रही है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो हम इसमें सबसे पहले एक बार कट ऑफ की बात करें तो राजस्थान का जो सेकंड राउंड है उसमें जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रही है वो 617 मार्क्स पर रही है, यानी कि जिन बच्चों के 616 मार्क्स थे उन बच्चों को, कुछ एक बच्चों को सीट मिली है, सभी को नहीं मिली है। ऑल इंडिया के जनरल कैटेगरी की बात करें हम तो ऑल इंडिया का जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तीनों कैटेगरी की कट ऑफ अगर हम माने तो 612 यानी 611 के सभी कैंडिडेट को सीट नहीं मिली थी, तो ये कट ऑफ 612 रही थी। तो जनरल कैटेगरी के इन 5 मार्क्स वाले कैंडिडेट को नुकसान हुआ है जिनको सीट नहीं मिली है। अब बात करें हम ओबीसी कैंडिडेट की तो जो राजस्थान की ओबीसी कैंडिडेट की जो कट ऑफ रही है वो 614 रही है, यानी कि 613 वाले सभी कैंडिडेट को सीट नहीं मिल पाई है। ऐसे ऑल इंडिया की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को मैं बता चुका हूं कि 612 रही है, 611 को सभी को सीट नहीं मिली है। अब राजस्थान में हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 611 मार्क्स वाले कैंडिडेट को राजस्थान में ईडब्ल्यूएस की सीट मिली है। ये जो तीनों सीटें हैं ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, ये लास्ट कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर मिला है। तो ये तो होगी सेकंड राउंड की इन तीन कैटेगरी की कट ऑफ। अब हम बात करें एससी एसटी कैटेगरी की तो एससी एसटी की कैटेगरी कि जो अभी तक कट ऑफ रहती आई है वो ऑल इंडिया से 5-4 मार्क्स कम ही रहती है, 4-5 मार्क्स आज तक कम ही रहती आई है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि राजस्थान की एससी एसटी कैटेगरी की कट ऑफ भी ऑल इंडिया के बराबर रही है। हालांकि एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को कोई नुकसान नहीं हुआ है, जितने मार्क्स पर उनको ऑल इंडिया में सीट मिली है उतने ही मार्क्स पर राजस्थान में सीट मिली है। एससी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो 507 मार्क्स पर राजस्थान में भी सीट मिली है और इसी मार्क्स पर ऑल इंडिया में भी सीट मिली थी, जबकि राजस्थान में कुछ रैंक डाउन ही मिली है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो ऑल इंडिया में 488 मार्क्स पर कट ऑफ रही थी एसटी कैटेगरी की और राजस्थान में 487 मार्क्स पर कट ऑफ रही है एसटी कैटेगरी की। तो इन तीन कैटेगरियों को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन पहले जैसे इनकी कट ऑफ डाउन हुआ करती थी वो इस बार डाउन नहीं हुई है। तो इस प्रकार से ये कट ऑफ रही है सेकंड राउंड की। अभी मैनेजमेंट की काउंसलिंग चल रही है, मैनेजमेंट की अभी कट ऑफ आई नहीं है। मैनेजमेंट की कट ऑफ 580 के नियर बाई रहने की संभावना है जनरल कैटेगरी की, क्योंकि जो एनआरआई की सीटें थी वो सारी मैनेजमेंट में कन्वर्ट कर दी हैं, जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट होती हैं ये सारी सीटें, तो ये सारी सीट जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दी हैं, तो इसलिए कट ऑफ हम मानते हैं कि 580 के नियर बाई ही इसका कट ऑफ रह सकता है। अब हम बात करें मोपअप राउंड के लिए
तो देखो मोपअप राउंड में जो सीटें रहनी हैं वो बहुत ही कम रहती हैं राजस्थान स्टेट के लिए। सेकंड राउंड जब ऑफलाइन होता है, बच्चे सारी सीटें ले लेते हैं, उसके बाद कोई रियर केस वाले बच्चे ही सीट छोड़ते हैं। और अब की बार तो ऐसा माहौल हुआ है जिसमें कम रैंक से वाले स्टूडेंट को सीट नहीं मिल पाई है ऑल इंडिया से। तो जो भी कट ऑफ रहेगी, जैसे जनरल कैटेगरी की मोपअप में अगर माने तो हम 616 से नीचे तो आने की संभावना है नहीं। ऐसे ही ओबीसी की 613 से कट ऑफ नीचे नहीं आएगी, एससी कैटेगरी की कट ऑफ 507 से नीचे नहीं आएगी, और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ 488 या 487 से डाउन आने की संभावना नहीं है, क्योंकि मोपअप राउंड में सीटें बहुत ही कम बचती हैं, नए के बराबर गवर्नमेंट की सीटें होती हैं। हालांकि मोपअप राउंड में प्राइवेट की सीटें होती हैं, और इन प्राइवेट की सीटों पर मोपअप राउंड में अदर स्टेट कैंडिडेट भी इलिजिबल है, यानी कि ऑल इंडिया मेरिट पर ये आप एडमिशन ले सकते हैं इसमें, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में राजस्थान के। तो ये इस प्रकार सिचुएशन है अभी राजस्थान की काउंसलिंग की। बाकी और जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने काफी बार स्टूडेंट को बोला था कि आपको ऑल इंडिया कोटा ज्वाइन करना चाहिए। ऑल इंडिया कोटा के मैंने फायदे भी बताए थे कि ये फायदे हैं, तो आपको ये रिस्क नहीं लेना है किसी भी कंडीशन में। अगर आप फ्यूचर में भी काउंसलिंग के लिए देखते हैं तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। आपको जहां भी सीट मिलती है वहां पर सीट ले लेनी है। अभी ये तो उन्हीं बच्चों को पता है जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनके लिए ये रिस्क बहुत ही महंगा पड़ गया है। तो दोस्तों नई अपडेट के साथ में मैं हरसाई चोपड़ा आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।